बच्चों, जिस तरह हमने शब्द के प्रकार देखे, जिस तरह शब्दों के दो प्रकार हमने देखे, उसी तरह वाक्यों के भी कई प्रकार होते हैं। यानी कि शब्दों की तरह वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं, परंतु इस अध्याय में, इस पाठ में हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि वाक्यों के जो अर्थ होते हैं, वाक्य से जो अर्थ हमें समझ आते हैं, उन अर्थों के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि सुनिधि कविता सुना रही है, निशा किताब पढ़ रही है। देखिए, इस वाक्य में निशा क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है, यानी कि कुछ काम वो कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है। तो इसलिए इस कुछ काम का हमें इस वाक्य से पता चलता है, तो इसलिए ये होगा विधानवाचक वाक्य। सी नेक्स्ट, निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों से पता चलता है कि काम नहीं होगा, वे निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि आज दुकान नहीं खुलेगी, यानी कि दुकान खुलने का काम जो है वो आज नहीं होगा। हाँ, इस वाक्य से पता चला कि ये काम नहीं होगा, तो इसलिए ये होगा निषेधात्मक वाक्य। सुधीर गाँव नहीं जाएगा, दूध वाला नहीं आएगा, यानी कि दूध वाले का आने का जो काम है वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए नहीं, इस शब्द का प्रयोग देखिए इन वाक्यों में किया है, तो इसलिए ये वाक्य होंगे निषेधात्मक वाक्य। सी नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, यहाँ पर जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। हाँ, इसमें क्या, कौन, कैसे आदि का प्रयोग होता है, यानी कि जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, क्या आज कोई आएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा है। वहाँ कौन छिपा है, ये भी प्रश्न है। यह मेज कैसे हटाओगे, ये भी प्रश्न हो गया, तो इसलिए ये होंगे प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट, आज्ञावाचक वाक्य। यानी कि देखिए, जिन वाक्यों के द्वारा किसी को आज्ञा, आदेश या निर्देश दिया जाता है, वे होंगे आज्ञावाचक वाक्य। उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, कहते हैं। जैसे कि देखिए, पहला वाक्य, कमरे से बाहर चले जाओ। देखिए, यहाँ पर आदेश दिया गया है, कमरे से बाहर चले जाओ, फूल तोड़ना मना है। इस वाक्य में निर्देश दिया गया है। और मुझे किताब लाकर दो, यहाँ पर आज्ञा दी गई है। तो इस तरह से जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या निर्देश दिया जाता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी की इच्छा अथवा आशीर्वाद का पता चलता है, वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि जिन वाक्यों से किसी की इच्छा, यानी कि देखिए, अब इस वाक्य में ईश्वर तुम्हारा भला करो, हाँ, और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसमें से दूसरा है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। देखिए, इस वाक्य में किसी की इच्छा हमें पता चलती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? डॉक्टर बनना चाहती हूँ, यानी डॉक्टर बनने की उसकी इच्छा है। एक लड़की है और उसकी डॉक्टर बनने की इच्छा है, तो इसलिए ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हारा भला करे, ये हो गया आशीर्वाद। इस वाक्य में आशीर्वाद दिया है, तो ये होगा इच्छावाचक वाक्य। मुझे भी घूमने जाना है। देखिए, ये यहाँ पर घूमने जाने की इच्छा व्यक्त की है, तो इसलिए ये भी होगा इच्छावाचक वाक्य। सी नेक्स्ट, संकेतवाचक वाक्य। देखिए बच्चों, जिन वाक्यों से किसी संकेत या शर्त का पता चलता है, वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि जूही जाएगी तो मैं भी जाऊंगी,
यहाँ पर देखिए शर्त रखी गई है, अगर जूही जाएगी तो ही मैं जाऊँगी, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊँगी, परिश्रम करेंगे तो पास होंगे। हाँ, रवि साइकिल चलाएगा। देखिए इस तरह से संकेत या शर्त का पता जिन वाक्यों में चलता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट, संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी संदेह या संभावना का पता चलता है। देखिए किसी भी संदेह या संभावना का पता चले तो वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, यहाँ पर वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है तो ये होगा संदेहवाचक। न जाने दौड़ में कौन जीतेगा, हो सकता है कि वह न आए। देखिए यहाँ पर संदेह है, हो सकता है कि वो आए या फिर ना आए। हाँ, तो देखिए इस तरह से जिस किसी भी वाक्य में संदेह या फिर संभावना का पता चले तो उन वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। लास्ट है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों से हैरानी, खुशी, दुख आदि का पता चलता है तो वे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अरे तुम कब आए, शाबाश तुम दौड़ जीत गए, आ पैर में चोट लग गई, आ पैर में चोट लग गई। अब देखिए इन वाक्यों से विस्मय यानी कि हैरानी, खुशी, दुख इसका पता चलता है तो ये इसलिए ये होंगे विस्मयवाचक वाक्य। देखिए बच्चों इस तरह से ये 8 वाक्य के प्रकार यहाँ पर हमने देखे। तो यहाँ पर वाक्य ये पार्ट 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। बच्चों वाक्य इस पार्ट में हमने क्या देखा, इस पार्ट में हमने सार्थक शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं। इस पाठ में हमने देखा कि वाक्य किस तरह से बनते हैं, सार्थक शब्द जो होते हैं उन शब्दों को सही क्रम से अगर रखा जाए तो उनसे वाक्य बनते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। तो ये 8 प्रकार भी आपको लर्न करने हैं और इनको अच्छे से ठीक से समझ लेना है।